गाइस आज GTA 5 में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है। हमारे प्यारे शिनचैन को किसी एलिमेंटल वैनम ने किडनैप कर लिया है और पता नहीं उसे कहां लेके चला गया है। और हमें पता चला है कि उस एलिमेंटल वैनम ने हमारे प्यारे शिनचैन को किसी लकी ब्लॉक्स में बंद कर दिया है। और अगर हमें हमारे प्यारे शिनचैन को ढूंढना है तो हमें किसी भी तरीके से सारे के सारे लकी ब्लॉक्स को ओपन करना होगा और शिनचैन को ढूंढना होगा। तो देखते हैं कि आज हम लोग हमारे प्यारे शिनचैन को ढूंढ पाएंगे कि नहीं। वीडियो चालू करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। गाइस आज चॉकलेट शेक के तो एकदम मजा ही आ गया, पेट के अंदर पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है। आहा, एकदम जन्नत में आ गया हूँ मैं तो। गाइस आप लोग भी पियोगे क्या? और अंकल आपने ये बॉक्स सारे इधर क्यों रख दिए? इनको लाइन में लगा के रखो ना, आप तो बहुत बुरे हो। चलो गाइस यार फटाफट घर पे आते हैं। अरे उससे पहले यहाँ पर दीदियाँ हैं, आओ थोड़ा दीदियों से बात करते हैं। हेलो दीदी। अरे बच्चे हेलो, तुम कौन हो? अरे दीदी मेरा नाम है शिनचैन नोहरा और मेरी उम्र है 5 साल और मुझे खाने में शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने तो सिर्फ तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था, तुमने तो पूरे गांव पत्र का एड्रेस बता दिया। अरे दीदी आप मुझ पे हंस क्यों रहे हो? मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगा। और दीदी ये सब छोड़ो, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, आप मेरे साथ एक राइड पे चलोगी क्या? अरे बच्चे तुम सच कह रहे हो क्या? तुम्हारे पास सच में लैम्बोर्गिनी है? अरे हाँ दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है और वो बहुत ही ज्यादा मस्त है, आप उसमें मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी क्या? अरे हाँ छोटे बच्चे मैं तुम्हारे साथ ड्राइव पर चलूंगी, चलो मुझे अपने लैम्बोर्गिनी के पास तो लेकर चलो। हाँ दीदी आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मेरी लैम्बोर्गिनी यहीं पे खड़ी है, जल्दी आओ, ये रही देखो मेरी लैम्बोर्गिनी, आओ फटाफट से बैठ जाओ, पीछे हम लोग घूमने जाते हैं। अरे छोटे बच्चे तुमने तो लैम्बोर्गिनी कहा था, ये तो खटारा ट्रैक्टर है, मैं नहीं बैठूंगी इसमें। अरे दीदी ये ट्रैक्टर का नाम ही लैम्बोर्गिनी है, छोड़ो आप नहीं आओगे तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ और मैं आपको ट्रैक्टर में नहीं बिठाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे मत आओ। गाइस दीदी कितनी ज्यादा बेकार और लालची है, लैम्बोर्गिनी देख के मेरे पीछे आ गई बैठने। अरे छोटे बच्चे मेरी बात तो सुनो, मेरे लिए रुको। मैं नहीं आने वाला दीदी, बाय बाय। अरे गाइस दीदी कितनी ज्यादा खराब है, छोड़ो इसको, चलो अब हम जाते घूमने, मेरी गाड़ी चली पम पम पम। अरे छोटे बच्चे तुझे लॉलीपॉप चाहिए क्या? मेरे पास दो दो लॉलीपॉप है, आजा ले ले, अरे चूस लूंगा। अरे हाँ हाँ अंकल मुझे लॉलीपॉप चाहिए, रुको मैं अभी आया, ये मोटा अंकल मेरी अभी बेइज्जती करके गया था। अबे मोटू तू मुझे क्या बोल रहा था कि मैं ट्रैक्टर मेरी खटा रहा है तेरी ऐसे की तैसी, ये ले पेट में मुक्का खा, क्यों मजा आया ना, अब उठ के जरा दिखा मोटू कहीं के। अरे छोटे बच्चे मैंने तो सिर्फ तुम्हें खटारा ट्रैक्टर कहा था, तुमने तो मुझे इतना पीट दिया। अरे छोटे बच्चे तुमने उस मोटू अंकल को इतना क्यों मारा? अरे शिनचैन से पंगा लेने वालों का यही हाल करता है शिनचैन, इसके लिए मुझसे कोई पंगा मत लेना वरना मैं उसको नंगा कर दूंगा। अरे ये बच्चा तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लगता है इसे मुझे थोड़ा लालच बढ़ाना पड़ेगा। अरे छोटे बच्चे मेरे पास 5-5 लॉलीपॉप है, वो भी चॉकोबी फ्लेवर के, तुझे चाहिए क्या? अरे चूस लूंगा। अरे हाँ हाँ अंकल मुझे दे दो सारे के सारे लॉलीपॉप, मुझे लॉलीपॉप बहुत ज्यादा पसंद है। अरे हाँ हाँ बच्चे ये ले लॉलीपॉप, तुझे बहुत लॉलीपॉप चाहिए था ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुझे लेके भाग जाऊंगा, अरे चूस लूंगा। गाइस यार आज तो एकदम नहा के मजा ही आ गया और ठंडे ठंडे पानी से नहाने के बाद तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है। चलो यार बाहर जाके देखते हैं। अबे यार पिल्लू ये क्या किया तूने, इतना बड़ा कुर्सी का महाला ये सब क्या बना के रखा है तूने? अरे फ्रैंकलिन मैं तो ऊपर चढ़ के डांस कर रहा था और गाना गा रहा था, मरने से मैं कभी डरता नहीं, नीचे गिरने से मरता नहीं, हो बच्चा। अबे पिल्लू चुपचाप नीचे उतर वरना तुझे अभी एक झापड़ मारूंगा, ऊपर से तुझे चोट लग जाएगी। अरे फ्रैंकलिन ये लो मैं नीचे उतर गया, मुझे मत मारना प्लीज, आऊ। अबे वो सब तो ठीक है पिल्लू तू नीचे उतर गया, लेकिन तू ऊपर क्यों चढ़ा हुआ था इस तरीके से? अरे फ्रैंकलिन तुम्हें तो पता ही है ना दही हांडी आ रही है, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ, आऊ। अबे पिल्लू यार तू कितना नींद में रहता है, दही हांडी तो आखिर भी चली गई कल टीचर्स। अबे पिल्लू यार तू कितना नींद में रहता है, दही हांडी तो आकर भी चला गया, आज टीचर्स डे है। और गाइस यार इसके बीच में तो मैं आपको विश करना ही भूल गया, गाइस आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। अरे हाँ हाँ गाइस मेरी तरफ से भी आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा पिल्लू यार ये सब छोड़ आजा देखते कि चॉप क्या कर रहा है। अबे यार चॉप तूने यहाँ पर इतनी सारी टट्टी कर दी भाई साहब, यार यहाँ पर तो तूने पूरी टट्टी का पहाड़ बना दिया है। बाबा बाबा अरे कल रात में मैंने चिकन बिरयानी खाई थी ना, इसके लिए पेट एकदम फूल
भूल था, अभी मस्त एकदम पेट खाली हो गया टट्टी करके। अबे चुप, तेरा पेट खाली हो गया, लेकिन जो तूने इतनी गंदगी मचा दी ये सब कौन साफ करेगा? अब ये सब तो यार मुझे ही साफ करना पड़ेगा ना। रुक, आज तो मैं तेरी टट्टी में आग लगा दूंगा। अरे कलुए, मेरी टट्टी में आग मत लगा प्लीज, मुझे और बड़ा पहाड़ बनाना है। हाँ हाँ, तू और बड़ा पहाड़ बना ले ताकि मुझे साफ करना पड़े। रुक, अभी फटाफट इस टट्टी में बहुत सारा पेट्रोल डाल देता हूँ, फिर आग लगा दूंगा। और बाप रे बाप यार, तेरी टट्टी कितनी ज्यादा बास मार रही है भाई, कितने दिन से यहीं पे टट्टी करे जा रहा है। हट जा साइड, एक और हट जा, वरना तेरे ऊपर भी पेट्रोल डाल दूंगा। पिल्लू यार, तू भी साइड हट जा। और गाइस यार, यहाँ पर मैंने पेट्रोल तो डाल दिया है, चलो फटाफट यहाँ पर आग लगाते हैं। और गाइस ये लो, मैंने लगा दिए चॉप की टट्टी में आग। अब चॉप यार, यहाँ पे इतनी टट्टी मत करना, छोड़ यार इसको, ढूंढते यार हमारे सिंचन को, ये सिंचन दिखाई क्यों नहीं दे रहा यार। आ जा, थोड़ी गाड़ियों पे नजर डालते। यहाँ पर हमारे पास लैम्बोर्गिनी है, रॉल्स रॉयस है। अब यार एक मिनट, यहाँ पर हमारा खटारा ट्रैक्टर नहीं है यार, वो कहाँ लेके गया सिंचन? लगता है यार सिंचन कहीं बाहर गया हमारे ट्रैक्टर को लेके। उसको मैंने कितनी बार समझाया यार, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां ये सब लेके जाया कर, लेकिन नहीं, उसको खटारा ट्रैक्टर ही पसंद आता है। चल यार पिल्लू, जाके देखते कि यार सिंचन किधर गायब है। अरे फ्रैंकलिन, सिंचन है ना पक्का मार्केट में लॉलीपॉप खाने गया होगा, उसको ना लॉलीपॉप बहुत पसंद है, आओ। अबे यार पिल्लू एक मिनट, ये तो सिंचन का ट्रैक्टर है, ये यहाँ पर है तो सिंचन आसपास ही होना चाहिए। रुक, ये अंकल से पूछ के देखता हूँ सिंचन किधर गया है। अबे कलुआ, अंधा है क्या, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाएगा क्या? अबे टकले तेरी, ऐसी की तैसी, तूने कलुआ किसको बोला? ये ले मेरा मुक्का खा। और चुपचाप ये बता, तूने यहाँ पर किसी छोटे बच्चे को देखा है क्या, जिसने पीली कलर की चड्डी और लाल कलर का टी शर्ट पहना है, और वो बहुत छोटा, और उसका नाम सिंचन, और ये ट्रैक्टर वही चला रहा था? हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक छोटे बच्चे को देखा था, जो यहाँ पर किसी बड़े दांत वाले आदमी के साथ खड़ा था, जिसकी जीभ बाहर थी, वही उसे कहीं उठा कर लेके गया है। क्या बोला तूने टकले? उस आदमी के बहुत बड़े बड़े दांत थे और जीभ बाहर थी, ऐसा तो लॉस सैंटोस में एक ही आदमी है। चल यार पिल्लू, फटाफट बैठ तो। अरे हाँ फ्रैंकलिन, रुको, बैठ रहा हूँ, आओ। गाइस फाइनली हम लोग वो लोकेशन पे पहुंच गए हैं, जहाँ हमें पता है कि वो बड़े जीभ वाला और बड़े दांत वाला बंदा कौन है। कहाँ गया वो बंदा? हाँ ये रहा, सन बात ले रहे, तेरी ऐसी की तैसी, ये ले मार का। और पेनियस, तू तो बीच में कुछ बोलना नहीं था। अबे वैनम, तेरी ऐसी की तैसी, सच सच बता मेरा सिंचन कहाँ है, वरना आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसी जोर जोर से मारता रहूंगा, बता मेरा सिंचन किधर है? अरे कलुए रुक जा, मुझे क्यों इतना मार रहा है? अरे मुझे नहीं पता तेरा सिंचन कहाँ है, अरे तूने मुझे तो फोकट में ही पीस दिया, अरे डस लूंगा। अबे वैनम, तो मुझसे झूठ मत बोल, वरना मैं तुझे और मारूंगा। मुझे वहां पर एक बंदे ने बताया कि एक बड़े दांत वाला और बड़े जीव वाला व्यक्ति ही मेरे सिंचन को किडनैप करके लेके गया। अब सच सच बता, वरना मैं तुझे और मारूंगा। अरे कलुए, मैं सच्ची तो बोल रहा हूँ, अरे मुझे नहीं पता कि तेरा सिंचन कहाँ है, अरे डस लूंगा। अगर मुझ पे यकीन नहीं होता तो इन एवेंजर्स वालों से पूछ ले। अरे फ्रैंकलिन ब्रो, यार वैनम एकदम सही कह रहा है, वो सुबह से हमारे साथ ही है, उसने नहीं किडनैप किया होगा सिंचन को, क्योंकि वो हमारे साथ है सुबह से। अच्छा यार, तो वैनम तुम्हारे साथ है तो हमारे सिंचन को कौन किडनैप करके लेके गया? और यार उस अंकल ने तो यही बताया था कि यार उसके जीप बड़े बड़े है, और यार उसके दांत भी बहुत बड़े बड़े है, और लॉस सैंटोस में तो सिर्फ तू ही एक है ना जिसके जीप और दांत बहुत बड़े बड़े है। कलुए, तू मेरे चचेरे भाई को भूल गया क्या, जो कि एलिमेंटल वैनम है, वो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता है, उसी ने किडनैप किया होगा तेरे सिंचन को, अरे डस लूंगा। ओ ऐसा है क्या वैनम? सॉरी यार वैनम, तुझे खाली पीली मैंने इतना मार दिया। चल यार वैनम, ये फटाफट बता कि एलिमेंटल वैनम किधर मिलेगा? सुबह से यार मुझे मेरा सिंचन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ होगा बेचारा। अरे कलुए, उसमें बताना क्या है, चल मैं तुझे अपनी गाड़ी से लेकर वहां पे चलता हूँ। रुक, मैं अपनी स्पेशल वाली गाड़ी लेकर आता हूँ, चल फटाफट से बैठ जा कलुए, मैं तुझे वाली जगह पर लेके चलता हूँ, अरे डस लूंगा। सो गाइस, यार पता नहीं हमें ये वैनम कौन सी जगह पर लेके आ गया है, लेकिन यार ये जगह तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, एकदम गटर के किनारे। और गाइस यार, यहाँ पर एक कोई एलिमेंटल वैनम जैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का, और यार उसके पीछे बहुत सारे लकी ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। पता नहीं यार यहाँ पर क्या ही सीन चल रहा है। अरे कलुए, तू फिर से छोटे बच्चे को बचाने आ गया, वापस घर पे चला जा, वरना तुझे तो मैं चूस लूंगा। अबे कार्टून की शक्ल के तू मुझे कलुआ बोला और ऊपर से मुझे भगा रहा है। रुक, तुझे अभी मैं अपनी गन का पावर बता रहा हूँ, ये गन देख रहा है ना, अभी बताता हूँ देख इस गन से क्या कर सकता हूँ। ये देख, मैंने लगाया निशाना, और जैसे इसको मारूंगा ना, कोई भी वहां पे आदमी जिंदा हो या लाश बन जाएगा सीधा। तो चल फटाफट बता मेरा सिंचन का है, वरना अगली गोली सीधे तेरे छाती पर होगी। अरे कलुए रुक जा मत मार, मैं बताता हूँ तेरा सिंचन कहाँ है। तेरा सिंचन इन्हीं में से किसी लकी ब्लॉक्स में है, जाके फटाफट खोल के ढूंढ ले, अरे चूस लूंगा। अच्छा, इसका मतलब
अब जो मेरा प्यारा सिंचन है वो इन्हीं में से किसी लकी ब्लॉक्स में। रुक फटाफट खोल कर देख लेता हूँ। अबे एलिमेंटल वेनम, तूने मुझे फिर से उल्लू बनाया, ये लकी ब्लॉक्स तो खुल ही नहीं रहे। अरे कलुए, ये लकी ब्लॉक्स ऐसे नहीं खुलेंगे। इनको खोलने के लिए व्यूवर्स को फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तू इन लकी ब्लॉक्स को खोल पाएगा और सिंचन को ढूंढ पाएगा। अरे चुसलूंगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? इसके लिए यहाँ पर इतना बड़ा वेनम का फोटो और हमारे चैनल का लोगो लगा हुआ है। गाइस यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमें हमारा प्यारा सिंचन मिल जाए। और गाइस यार देखो मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, मैं दीवार पे भी लाइक एंड सब्सक्राइब लिख रहा हूं। तो फटाफट से यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कैसे भी वो रेड वाले बटन को दबा दो। अरे फ्रैंकलिन, सभी के सभी व्यूअर्स ने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया, अभी लकी ब्लॉक्स खोल के देखो, शायद खुल जाए। आओ। हां पिल्लू यार रुक, अभी ट्राई करता हूं। और यार ये तो देख लकी ब्लॉक्स बरसना चालू भी हो गए और इस एलिमेंटल वेनम के ऊपर गिरा। रुक इसको खोल के देखता हूं। और बूम यार पिल्लू, ये तो देख यार क्या मस्त तगड़ी वाली कार निकली और बहुत सारे लकी ब्लॉक्स बरस रहे। रुक सबको खोल के देखता हूं क्या क्या निकलता है। यहां पर एक कार निकली, एक बग्गी निकली और इसमें से यार खटारा से वैन निकल गई। और यार पिल्लू ये तो देख यार फोर्ड मस्टैंग की गाड़ी निकली यार, एकदम ओल्ड मॉडल जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी होगी। आज यार पिल्लू जरा इसका टेस्ट ड्राइव तो करे यार, कितनी मस्त गाड़ी लग रही है यार। मेरी मस्टैंग फेवरेट कार है, क्या ही मस्त लग रही है यार, क्या ही ड्रिफ्ट मारी एकदम नई की तरह यार, क्या ही मस्त लग रही है। पिल्लू यार काम करेंगे हम लोग ना, ये वाली गाड़ी को ना अपने कलेक्शन में रखेंगे। चल यार इसको बहुत ड्राइव कर लिया, दूसरा लकी ब्लॉक्स खोल के देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। इसको खोल के देखा, इसमें से तो भाई साहब यार गोल्डन हेलीकॉप्टर निकल गई। और यार इतना बड़ा गैस टैंक इसको छोड़ो यार, गोल्डन हेलीकॉप्टर तो देखो यार क्या ही मस्त लग रहा है। अरे यार गलती से मेरे से गोली चिल गई, रुको एक बार उसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ। ओ भाई साहब यार क्या ही ऊंचा हेलीकॉप्टर है और क्या ही मस्त हेलीकॉप्टर है। इसको छोड़ो यार, दूसरे यहाँ पर और भी मुझे लकी ब्लॉक्स दिखाई दे रहे, खोल कर देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। और ये वाला लकी ब्लॉक सबसे अलग क्यों यार, रुको इसको खोल दे। यार ये तो खटारे से गाड़ी निकल गई। और यहाँ पर एक लकी ब्लॉक, इसको खोल के देखते हैं। अबे यार इसमें से तो हल्क निकल गया और ये तो शायद से पॉटी कर रहा था। ये तो देख इसके पीछे बाथरूम है हल्क के पीछे। हल्क सबसे ज्यादा ताकतवर, हल्क सबसे ज्यादा शक्तिशाली। अरे छोड़ रहे, मैं तो पॉटी कर रहा था, मुझे यहाँ पर किसने बुलाया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे हल्क भैया यार हम तो यहाँ पर लकी ब्लॉक्स खोल रहे थे, पता नहीं आप कहाँ से निकल गए। हल्क को गुस्सा मत दिलाओ वरना हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। अबे यार पिल्लू चल भाग यहाँ से, दूसरे लकी ब्लॉक्स खोलते वरना ये रेड हल्क तो हमें छोड़ेगा नहीं। और यार इसको खोला, इसमें से तो मिलिट्री वाली इतनी बड़ी ट्रक निकल गई। और यार इसको खोला, अबे यार इसमें से तो मस्त वाली प्लेन निकल गई। चल यार फटाफट एक काम कर, इस प्लेन में बैठ हम लोग दूसरी जगह जाके यार दूसरे लकी ब्लॉक्स खोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारा सिंचन यहाँ पे मिलेगा। चल यार पिल्लू फटाफट से एरोप्लेन में बैठ और जाते हैं दूसरी जगह। गाइस यार यहाँ पर हम लोग अपनी दूसरी लोकेशन पर आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे अपने सिंचन को। और यार चलो फ्लाइट से कूदने का टाइम आ गया है। अब गाइस यार आप लोग देखना मैं क्या एकदम प्रो वाला जंप मारता हूँ। और ये देखना मेरी एकदम परफेक्ट वाली लैंडिंग। और ये मैंने खोला पैराशूट, अब ये देखो मेरा परफेक्ट वाला लैंडिंग। अरे फ्रैंकलिन क्यों करवा ली बेइज्जती, आओ। अबे पिल्लू यार ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, छोड़ यार इसको, चल फटाफट सब लकी ब्लॉक्स की ओपनिंग करते। और यार इसको मैंने खोला और यार इसमें से तो सुपर कार निकल गई। इसको खोला और यार इसमें तो रॉल्स रॉयस निकल गया। यार मेरे पास तो ऑलरेडी एक रॉल्स रॉयस है, वो भी एकदम सेम टू सेम यार, एकदम टॉप मॉडल। और यार इसमें से इतना बड़ा ट्रक, अबे यार ये तो छोटा ट्रक निकल गया। और दोनों आपस में ही हुत्तू तुत्तू खेल रहे। अब यार फटविट मत जाना और मेरे ऊपर तो बिल्कुल ही मत गिर जाना। और यार यहाँ पर एक रेसर कार निकली और यार ट्रक्स को तो देखो यार कैसे घूम रहे। रुक यार मैं थोड़ा आरपीजी मार के इनको निकालने की ट्राई करता हूँ। और भाई साहब यार ये लोग तो उड़ के एकदम दूर ही जा रहे। रुको एक और मारता हूँ, अबे निकल जाओ। अबे यार ये लोग निकलने की जगह तो यार फूटते जा रहे, फूटते जा रहे। अबे और कितना फूटोगे, अबे बस करो कितना फूटोगे, निकल भी जाओ। और गाइस यार ये लोग निकलने की जगह तो यार, और यहाँ पर एक लकी ब्लॉक छोड़ा है और मैंने उसको फोड़ा। ओ भाई साहब यार इसमें से तो तीन मुंडी वाला हल्क निकल गया। अबे ये क्या बला है, ये क्या जादू टोना है। हल्क सबसे ज्यादा ताकतवर, हल्क सबसे ज्यादा शक्तिशाली। अबे कल ये भाग जाए यहाँ से वरना तेरा दस दस मुंडी कर दूंगा। गाइस यार भागो वहाँ से फटाफट, हल्क हमारे पीछे पड़ गया है। चलो फटाफट से लकी ब्लॉक्स खोलते हैं। और यार इसको खोला, इसमें से तो यार खटारा गाड़ी निकल गई। इसको खोला, अबे यार इसमें से तो ट्रॉली निकल गया, कोई अच्छी चीज निकल ही नहीं रही है। और गाइस यार इसमें से तो यार एकदम धूम बाइक निकल गई, कावासाकी निंजा। चल यार पिल्लू फटाफट बैठ जा, आज मैं तुझे एकदम मस्त वाला स्टंट मार के दिखाता हूँ। और गाइस यार ये देखो मैं अब कैसे विली विली मारता हूँ एकदम गाड़ी के टायर उठा के। अबे तेरी ऐसे की तैसे साइड हट जा वरना तुझे इधर ही गोली मार दूंगा। उसको
इसको तो भगा दिया। अब गाइस यार मेरा एकदम परफेक्ट वाला स्टंट देखो, अब मैं आप लोगों को एकदम स्टंट मार के दिखाता हूँ। चल पिल्लू तैयार है ना, एकदम जोर से पकड़ ले। और गाइस यार ये देखो मैंने टायर उठा दिया, अब एकदम स्लोमो में देखो क्या ही मस्त लग रहा है ना गाइस, एकदम मस्त लग रहा है टायर उठा के, क्या ही मस्त फीलिंग आ रही है। क्यों पिल्लू मजा आ रहा है ना? अरे फ्रैंकलिन मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, अच्छा है तुमने नीचे कर दिया आऊ। अरे फ्रैंकलिन तुमने तो मुझे चोट लगा दिया। अरे पिल्लू यार सॉरी तू गलती से गिर गया, छोड़ यार उसको, फटाफट से और लकी ब्लॉक्स की ओपनिंग करते और ढूंढते यार सिंचन को। हमारा सिंचन तो यार मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। और यार इसको मैंने खोला और यार इसके अंदर से तो मस्त वाली ट्रक निकल गई। और यार इसके अंदर से यार खटारा खटारा गाड़ियां क्यों निकल रही है यार, हमारा सिंचन का मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। और गाइस यार यहाँ पर एक और लकी ब्लॉक्स इसको खोला, इसमें से खटारा गाड़ी। और गाइस यार एक मिनट, ये ऊपर कौन सा सबसे अलग सा लकी ब्लॉक्स दिखाई दे रहा है यार? ये लकी ब्लॉक्स तो सबसे अलग है, रुको यार इसको खोल के देखते हैं इसमें से क्या है। सबसे पहले यार रुको इसको जूम करके देख लेता यार ये सबसे अलग क्यों है। और गाइस यार ये तो वही लकी ब्लॉक्स है जो उसके पीछे लगा था, और इसमें देखो हमारे चैनल का लोगो भी है, शिवगम गेमिंग वाला है, शायद से इसके अंदर से ही हमारा सिंचन है। रुको यार फटाफट से इसको खोल के देख लेते हैं, पक्का कंफर्म अब तो हो गया है कि इसी के अंदर है। एक काम करता आरपीजी निकाल लेता हूं और अभी इसको मार के देखता हूं इसके अंदर हमारा सिंचन है। ये मैंने मारा और बूम गाइस देखते कौन निकला, रुको गाइस जूम करके देखते। और भाई साहब यार ये रहा सिंचन, हमारा सिंचन मिल गया। अरे फ्रैंकलिन भैया यार फटाफट मुझे नीचे उतारो, मुझे यहाँ पर ऊंचाई पे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अबे सिंचन यार तू डर मत, मेरे पास यहाँ पर एक गाड़ी है जो कि हवा में उड़ सकती है, रुक फटाफट से मैं ये वाली बाइक में उड़ के आता हूँ तुझे बचाने। ये ले मैं बैठ गया, ये मैंने लगा दिया अपना हेलमेट, अब चलो फटाफट से यार ऊपर जाते हैं और सिंचन को उतार के लाते हैं। डर मत यार सिंचन, ये ले मैं आ गया, रुक तेरे पास आता हूँ। रुक यार सिंचन बस में पहुंच गया, ये ले पहुंच गया। चल सिंचन फटाफट आ जा गाड़ी पे बैठ जा। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया ये लो मैं बैठ गया, अब आराम से मुझे नीचे उतारो, गिरा मत पे देना मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है ऊंचाई से। हाँ सिंचन यार तू डर मत, एकदम ध्यान से तुझे नीचे उतारूंगा। ओके सो गाइस यार यहाँ पर हमने सिंचन को नीचे उतार दिया है और बहुत ही ज्यादा मेहनत से आज हमने सिंचन को ढूंढ निकाला है लकी ब्लॉक्स में से। और गाइस यार अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अरे फ्रैंकलिन भैया हमारे लकी सब्सक्राइबर को शाउट आउट तो दे दो, बहुत ही प्यारे है वो। हाँ सिंचन रुक अभी शाउट आउट दे देता हूँ। ओके सो गाइस यार जो आज के हमारे तीन लकी सब्सक्राइबर है वो है वंस गेमिंग, रिपल और सुपरमैन ओपी। और गाइस यार इन तीनों ने बहुत ज्यादा बढ़िया और बहुत ज्यादा प्यारा कमेंट किया है। और गाइस यार अगर आपको शाउट आउट चाहिए तो आपको पता ही क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जाके एक प्यारा सा कमेंट कर दो, क्या पता अगले लकी सब्सक्राइबर आप हो और आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिल जाए। और हाँ गाइस मैं फ्रैंकलिन भैया और पिल्लू मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। रुक यार सिंचन ये साइकिल वाला बहुत होशियारी मार रहा है, इसको मार के इसकी साइकिल छीन के चलाने का मन कर रहा है, रुक मैं एक राउंड मार के आता हूँ।